वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं हूं कांटे सर और आज हम फिर से एक और पावर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम कंटिन्यू पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहां पर अभी हम देखेंगे गैस पावर प्लांट। और गैस पावर प्लांट बेसिकली इसमें गैस का यूज करके, जैसे कि मीथेन गैस हो गया, एलपीजी गैस हो गया, नेचुरल पेट्रोलियम गैस हो गया, तो ये जो गैस है इन गैस का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। अब इसके पहले वाली क्लास, पिछली क्लास में भी हमने थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, एमएलडी पावर प्लांट और विंड पावर प्लांट, ये सारे पावर प्लांट्स के बारे में हमने विस्तृत रूप से जाना। उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के नए नए तरीकों को हमने यूज किया। अब बेसिकली यहाँ पर हम यूज करेंगे गैस पावर प्लांट। तो गैस पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे जनरेट करेंगे, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले कि ये ब्लॉक डायग्राम है, इस ब्लॉक डायग्राम में सबसे ऊपर दिख रहा है देखो ये पाइप दिख रहा है। तो ये जो पाइप होती है ये वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब दो प्रकार के पाइप होते हैं, ठीक है। उसके बाद है ये कम्बुलेशन चैम्बर। तो कम्बुलेशन चैम्बर में क्या होता है, यहाँ पर कम्बुलेशन होता है मतलब कंप्रेस की जाएगी एयर को, फिर यहाँ पर दिख रहा है गैस टरबाइन। तो यही कम्बुलेशन किया हुआ जो चैम्बर है, कम्बुलेशन चैम्बर में जो गैस को हम कम्बुलेशन करेंगे और कम्बुलेशन करने पर जो टरबाइन की उसको गिराएंगे वो उसका यूज किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। मतलब टरबाइन सिंपल सा फंक्शन है, टरबाइन रोटेट करेगी तो उसके साथ में उसके शाफ्ट में जुड़ा हुआ है ये शाफ्ट है। अभी ये शाफ्ट में अल्टरनेटर भी रोटेट करेगा और अल्टरनेटर के साथ यहाँ पर मोटर भी फीड किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इनपुट सप्लाई, इनपुट पावर यहाँ से भी मिलेगा इसका। तो इसका बेसिक जो फंक्शन है डेयर स्टूडेंट, यदि हम इसको स्टार्ट करें तो सबसे पहले एयर कंप्रेशर लगा हुआ है, मतलब एयर को कंप्रेस किया जाएगा। तो एयर को कंप्रेस करने के पहले उसे क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। तो इसके एक एक पॉइंट देखो, सबसे पहले क्या हो गया, यहाँ पर एक मोटर लगी हुई है, इनपुट सप्लाई सबसे पहले मोटर को दिया जाता है, मतलब पहले मोटर को रोटेट कराएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक कपलिंग किया हुआ है अल्टरनेटर, अल्टरनेटर के साथ कपलिंग है, फिर यहाँ पर गैस टरबाइन, गैस टरबाइन से इसका कनेक्शन किसका है, रेफ्रिजरेटर का है, ठीक है। क्या लिख रहा है, रीजनरेटर लिखा हुआ, रेफ्रिजरेटर नहीं है, रीजनरेटर लिखा हुआ है। और ये क्या था, एग्जॉस्ट 540 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद यहाँ से इसका कनेक्शन देखेंगे तो ये कम्बशन चैम्बर में है, ठीक, कम्बशन चैम्बर में है। इसका बाद यहाँ से कनेक्शन देखेंगे तो ये गैस टरबाइन है, फिर इसकी शाफ्ट, ये शाफ्ट है और शाफ्ट से अटैच किसको कर दिया गया है, एयर कंप्रेशर को। फिर यहाँ से इसका कनेक्शन है, ये एयर कहाँ पर जा रही है, रीजनरेटर में जा रही है। तो इसका मतलब जो पूरा फंक्शन है, ये जो साइकिल सिस्टम कहलाता है, ये कहलाता है ब्रेटन साइकिल, इसको बोलते हैं ब्रेटन साइकिल। जैसे कि थर्मल पावर प्लांट रिकाइट साइकिल पे काम करता है, वैसे ही गैस पावर प्लांट ब्रेटन साइकिल पे काम करता है। तो ये जो ब्रेटन साइकिल है, ये ब्रेटन साइकिल, इसमें हम गैस टरबाइन पावर प्लांट बेसिकली ये पूरा जो फंक्शन है, मतलब कि यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते तक मीथेन गैस भी यूज कर रहे हैं, मीथेन गैस को कंप्रेस करके फिर गैस टरबाइन के ऊपर उसको गिरा के अल्टरनेटर रोटेट करा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते तक ये जो पूरा साइकिल सिस्टम है, ये साइकिल सिस्टम ब्रेटन साइकिल कहलाता है। इसे हम ब्रेटन साइकिल टाइम साइकिल का ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो देखेंगे कि हम ये जो गैस टरबाइन है ये वर्क किस पे करता है। तो गैस टरबाइन बेसिकली टाइम साइकिल पे वर्क करता है, वर्क करता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया सभी को। अब यहां पर देखें कि इसमें फ्यूल क्या क्या यूज करते हैं, बेसिकली जो फ्यूल है मतलब ईंधन के रूप में किसका यूज करेंगे। तो ईंधन के रूप में यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, तो ईंधन के रूप में यहाँ पर मीथेन गैस का यूज करेंगे। उसके बाद एलपीजी, जिससे इसका फुल फॉर्म क्या होगा, लिक्विड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस मतलब एलपीजी गैस का भी यहाँ पर ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। उसके बाद है नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस जो जमीन के अंदर से निकाला जाता है, तो इन गैसों का भी यहाँ पर यूज किया जाता है। जैसे मीथेन गैस की बात करें
तो गोबर गैस संयंत्र आपने देखा होगा, और गोबर गैस संयंत्र में भी मीथेन गैस का यूज किया जाता है, मतलब गोबर को सड़ाकर जो गैस उत्पन्न होती है वो मीथेन गैस होती है। अब ये नेचुरल रूप से यदि प्राप्त हो तो कहां से प्राप्त होगी, जहां पर कोयले का भंडार हो। जैसे कि मीथेन गैस ये निकलता है शहडोल से, शहडोल में जाएंगे आप, शहडोल का एक क्षेत्र है, शहडोल के क्षेत्र में यहां से रिलायंस ग्रुप मीथेन गैस निकालता है शहडोल से, क्योंकि यहां पर 12 मीटर की मोटे कोयले की परत लेयर है, और वहीं से शहडोल वाला जो क्षेत्र है वहां से रिलायंस ग्रुप क्या निकलता है, मीथेन गैस निकालता है। तो वही मीथेन गैस, देखो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे मीथेन गैस को, इससे बनाएंगे एक तो गोबर को सड़ाकर कंपोस्ट करके, तो उससे भी मीथेन गैस निकलेगी, और दूसरा जमीन के अंदर से जहां पर कोयला वाला क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र वहां से ये मीथेन गैस निकलेगा। तो दो तरीके से आपको मीथेन गैस प्राप्त होगा। एलपीजी गैस ये तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, और ये आपको पता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस मतलब जहां से पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है वहीं से पेट्रोलियम गैस भी निकलती है। उसके बाद नेचुरल गैस, ये जो नेचुरल गैस है तो ये भी आग पकड़ती है, तो जहां पर तेलों के कुएं होते हैं, जैसे कि आप सऊदी अरब जाएंगे, दुबई जाएंगे, कुवैत जाएंगे, ईरान जाएंगे, इराक जाएंगे, सीरिया जाएंगे, वहां पर आपको एलपीजी गैस के मतलब ये मान सकते हैं तेल के कुएं मिलेंगे, और तेल के कुएं से वहां से गैस भी निकलती है, और एलपीजी क्योंकि ये जो पेट्रोलियम गैस है और पेट्रोलियम भी निकलता है, तो पेट्रोलियम के जो प्रभागीय आसवन करेंगे तो सबसे पहले गैस बनता है, फिर पेट्रोल बनता है, फिर डीजल बनता है, फिर केरोसिन बनता है, उसके बाद लास्ट में वेस्ट मटेरियल डाला जाता है। तो ये जो नेचुरल गैस है, इस नेचुरल गैस का, मीथेन गैस का, एलपीजी गैस का, नेचुरल गैस का यूज करके हम इस प्लांट को चला सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम ईंधन के रूप में मीथेन गैस का यूज कर रहे हैं, एलपीजी गैस का यूज कर रहे हैं, और नेचुरल गैस का यूज कर रहे हैं। इन्हें हम जलाएंगे, इनका यूज करेंगे, और इसको यूज करके हम यहाँ पर इसको कंबशन चेंबर में इसको कंबशन करेंगे, उसके बाद गैस टरबाइन के ऊपर उसको गिराया जाएगा, जब गैस टरबाइन रोटेट करना चालू कर देगी तो फिर उसके साथ अल्टरनेटर भी अटैच है, अल्टरनेटर भी रोटेट करना चालू कर देगी, और 3 फेज आरवाईपी यहां पर आपको 11 केवी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना चालू हो जाएगी। तो ये तो था पूरा सिस्टम, फिर क्या यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि ये इसको वर्किंग गैस, इसमें देखेंगे वर्किंग गैस इन कंबशन चेंबर, तो वर्किंग गैस के रूप में जब कंबशन चेंबर में यूज किया जाता है तो इसका प्रेशर वेरी हाई होता है, मतलब अत्यधिक प्रेशर मिलेगा उसमें। जैसे आपने देखा होगा जब आप गाड़ी में हवा भरने जाते हैं तो उनके पास कंप्रेशर होता है, और कंप्रेशर मशीन में इतना कंप्रेशर के एयर को बना लेते हैं, फिट करके रख लेते हैं अपने पास, कि लाइट जाने के बाद भी उस कंप्रेशर में गैस भरी होती, और उसी को फिर हम अपने फोर व्हीलर या टू व्हीलर के टायर में भरते। तो वैसा ही सिस्टम यहाँ पर भी है, ये जो कंप्रेशन चेंबर है यहाँ पर वही काम किया जाता है, गैस को कंप्रेस करने का काम किया जाता है, ठीक है। तो हाई प्रेशर हो जाएगा इस कंप्रेशन चेंबर में, और हाई टेम्परेचर भी हो जाएगा, और इसका लगभग टेम्परेचर जो हो जाता है ये 540 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है इसका। जब गैस को कंप्रेस किया जाता है तो एक तो हाई प्रेशर रिलीज होगा और उसके साथ हाई टेम्परेचर भी रिलीज होगा। चलिए इस प्लांट की यदि बात करें तो इस प्लांट की मेथड या इस प्लांट की वर्किंग क्या है, तो प्लांट की वर्किंग के लिए यदि बात करें तो सबसे पहले मोटर को इनपुट सप्लाई किया जाता है, सबसे पहले मोटर को इनपुट सप्लाई दिया जाता है, ठीक है। तो मोटर को जब इनपुट सप्लाई देंगे हम, तो सबसे पहले मोटर को रोटेट कराएंगे, मतलब यहां से जैसे ही हम इनपुट सप्लाई देंगे मोटर घूमना चालू कर देगी। जब मोटर घूमना चालू कर देगी उसी के शाफ्ट से देखिए यहां पर ये शाफ्ट है, और उसी के शाफ्ट से अल्टरनेटर भी अटैच है, तो यहां पर अल्टरनेटर भी रोटेट करना चालू कर देगी, मतलब मोटर घूमेगी उसके शाफ्ट से अल्टरनेटर अटैच है तो अल्टरनेटर भी घूमना चालू हो जाएगा। उसके बाद उसी के साथ से यहाँ पर गैस टरबाइन भी अटैच है, तो गैस टरबाइन भी रोटेट करना चालू कर देगी। अब देखिए इसका फंक्शन थोड़ा सा उल्टा है, सबसे पहले मैं इस
मोटर फर्स्ट पॉइंट दे रहे हैं इसको। सबसे पहले मोटर को स्टार्ट किया हमने, सप्लाई दिए, अब मोटर यहाँ पर रोटेट करना चालू कर देगी, घूमना चालू कर देगी, तो ये अल्टरनेटर को भी घुमाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मोटर को सप्लाई देते हैं, और जब मोटर को सप्लाई दे देंगे उसके बाद एयर कंप्रेशन हुआ, यहाँ पर दिख रहा है आपको ये कंप्रेशन चेंबर, ठीक है। अब ये कंप्रेशन चेंबर का देखिए यहाँ से कनेक्शन, ये यहाँ से मोटर घूम के कहाँ पर आया, एयर कंप्रेसर। उसके बाद सेकेंड में ये जो एयर कंप्रेशन, इसको सेकेंड पॉइंट दे रहे हैं। सबसे पहले मोटर को सप्लाई दिए, मोटर को सप्लाई देने के बाद एयर कंप्रेसर, और इस एयर कंप्रेसर में एयर सक्शन होगा। कैसे सक्शन होगा, मोटर के हिसाब से अल्टरनेटर अटैच है, अल्टरनेटर के हिसाब से गैस टरबाइन अटैच है, गैस टरबाइन के हिसाब से एयर कंप्रेसर अटैच है, तो एयर कंप्रेसर भी रोटेट करेगा। जब एयर कंप्रेसर रोटेट करेगा तो ये बाहर की एयर को सक्शन करेगा, मतलब अपनी ओर खींचेगा, और अपनी ओर खींच के यहाँ पर प्रेशर रिलीज करेगा। तो एयर कंप्रेसर का काम होता है एयर को सक्शन करना और पाइप के माध्यम से कंप्रेसर चेंबर तक पहुंचाना, ठीक है। सबसे पहले मोटर को इनपुट दिया हमने, मोटर स्टार्ट हो गई, तो यहाँ से पूरा सिस्टम एक ही शाफ्ट से अटैच है, ये पूरा सिस्टम एक ही शाफ्ट से अटैच है, तो यहाँ पर अल्टरनेटर भी घूमेगी, गैस टरबाइन भी घूमेगी, उसी शाफ्ट में एयर कंप्रेसर है, तो एयर कंप्रेसर क्या काम करेगा, एयर को सक्शन करेगा। इसका काम क्या है बेटा, एयर को सक्शन करने का काम है, ये एयर को सक्शन करेगा, अपनी ओर खींचेगा, और क्या करेगा, कंप्रेशन बनाएगा, एयर में प्रेशर बनाएगा, एयर को कंप्रेस करेगा, ठीक है। एयर सक्शन करने के बाद पाइप के माध्यम से एयर कंप्रेसर चेंबर, तो ये जो कंप्रेसर चेंबर है इसको यहां से एयर इस पाइप के माध्यम से पहुंचाएगा, ठीक। इतना समझ में आया आपको, सबसे पहले मोटर स्टार्ट किए, उसके साथ में एयर कंप्रेसर भी अटैच है। एयर कंप्रेसर का काम है कि बाहर की एयर को सक्शन करना, खींचना, और उसके बाद कंप्रेशर बनाना, मतलब कि प्रेशर रिलीज करना, और कंप्रेशर बनाने के बाद ये पाइप के माध्यम से कंप्रेसर चेंबर तक पहुंचाना, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या हुआ, कंप्रेसर चेंबर। तो कंप्रेसर चेंबर पर जब पहुंचाएंगे तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है, संपीड़न, कंप्रेशन मतलब क्या होता है, संपीड़न होना। तो यहाँ पर इस एयर को, एयर कंप्रेसर चेंबर पर जब पहुंचाएंगे तो यहाँ पर और संपीड़न की क्रिया होगी, और कंप्रेस होगा एयर, तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, एयर का प्रेशर और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बढ़ जाता है, एयर का प्रेशर बढ़ जाता है, एयर का प्रेशर बढ़ जाता है। कंप्रेशन चेंबर का काम है कि एयर के प्रेशर को बढ़ाना, और ज्यादा प्रेशर बन जाएगा, जब अत्यधिक प्रेशर बन जाएगा कंप्रेशन चेंबर में, एयर कंप्रेशन में पाइप के माध्यम से कंप्रेशन चेंबर में एयर को पहुंचा दिया, यहां पर कुछ प्रेशर बना कंप्रेशन चेंबर में, तो यहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर हाई हो जाएगा। अब जब हाई प्रेशर हो जाएगा तो क्या करेंगे, हाई प्रेशर के साथ हाई टेम्परेचर भी इंक्रीज होने लगेगा, एयर में हाई प्रेशर तो होगा उसके साथ साथ टेम्परेचर भी हाई होने लगेगा, और टेम्परेचर लगभग यहाँ पर आपको मिलेगा 540 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर टेम्परेचर भी हाई हो रहा है, प्रेशर भी हाई हो रहा है, दोनों चीज हो गई। अब यहाँ पर ये जो गैस है, ये गैस लगभग याद रखिएगा 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, लगभग कितना यहाँ पर 800 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर कितना रिलीज हो रहा है यहाँ पर 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, याद रखिएगा। कंप्रेशन चेंबर में एयर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और एयर प्रेशर के साथ साथ में इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, दो पॉइंट याद रखेंगे आप, इधर ध्यान दो, मोबाइल वाले इधर ध्यान दीजिए। कंप्रेशन चेंबर का काम क्या है, एयर कंप्रेशर से जो यहाँ पर पाइप के माध्यम से एयर कंप्रेसर चेंबर में पहुंचा है, उसका काम है कि यहाँ पर एयर के प्रेशर को इंक्रीज करना, और उसके साथ साथ में एयर के टेम्परेचर को भी इंक्रीज करना। अब जब एयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा लगभग 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो 800 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो टरबाइन के ऊपर उसको क्या कराएंगे, फ्लो कराएंगे। तो अत्यधिक प्रेशर में यदि टरबाइन के ब्लेड के ऊपर गिराया जाए, एयर को
ज्यादा प्रेशर से टरबाइन के ब्लेड के ऊपर गिराया जाए तो क्या होगा? भाई कुछ तो होगा ना, टरबाइन घूमने लगेगी। और जब टरबाइन घूमने लगेगी तो उसके साथ साथ में कौन है? अल्टरनेटर है। उसके साथ साथ में कौन है? अल्टरनेटर है। और अल्टरनेटर जब रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगी। दूसरी बात, यहाँ पर किसी ने भी पूछा, यहाँ पर मोटर को तो इनपुट सप्लाई दिया गया है, दिया गया कि नहीं? तो इसका सिस्टम इस टाइप से होता है, जब टरबाइन ये कंप्रेसर चेंबर में टरबाइन गैस टरबाइन के ऊपर जब प्रेशर से एयर गिराया जाता है तो यहाँ पर मोटर को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि मोटर का स्टार्टिंग काम क्या था? एयर को कंप्रेस करना। मोटर का स्टार्टिंग काम क्या था? एयर को कंप्रेस करना। तो जब एयर कंप्रेस होने लगा तो स्वाभाविक सी बात है कंप्रेसर चेंबर में जाएगा, एयर प्रेशर रिलीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा 800 डिग्री सेल्सियस, फिर उसको गैस टरबाइन के ऊपर गिराएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात है कि जब अल्टरनेटर ड्राइव होने लगेगा, जिसके माध्यम से गैस टरबाइन के माध्यम से गैस टरबाइन के ऊपर जब हम प्रेशर से एयर को गिराएंगे, गैस को जब गिराएंगे, एयर प्रेशर से जब टरबाइन रोटेट करना चालू कर देगी तो अल्टरनेटर भी इसके साथ ड्राइव होने लगेगा। अब इसके साथ अल्टरनेटर ड्राइव होने लगेगा और अल्टरनेटर जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगेगा तो यहाँ पर इस मोटर को हम बंद कर देंगे। क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। ठीक है, स्टार्टिंग यहीं से हुआ, फिनिशिंग भी वहीं से हो रहा है। ठीक है, तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो गैस का जो टेम्परेचर होता है 800 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, समझते हैं आप कितना टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस माइनस होता है, इसको टरबाइन के ऊपर फ्लो कराया जाता है। अब जब टरबाइन के ऊपर इसको फ्लो कराया जाता है तो अल्टरनेटर ड्राइव होने लगता है। मतलब अल्टरनेटर क्या है? ये अल्टरनेटर घूमने लगेगा और घूमने लगेगा तो बिजली पहले होगी कि नहीं? बिजली उत्पन्न होगी। जब बिजली उत्पन्न होगी तो यहाँ पर इस मोटर को बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगी, हम यहाँ पर मोटर को बंद कर देंगे। हमारा सबसे पहले टारगेट यही रहेगा कि इस मोटर को बंद कर देंगे, क्योंकि इस मोटर को बंद कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना चालू हो जाएगी, उसमें इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना चालू हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होना चालू हो जाएगी तो आउटपुट के रूप में तो हमें यहाँ पर मिलेगा बिजली। फिर यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर लगा देंगे, 11 केवी को 132 केवी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आउटपुट हमें यहाँ पर इस टर्मिनल पर मिलेगा, अल्टरनेटर के ऊपर, यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसीलिए हम जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना चालू हो जाएगी इस मोटर को बंद कर देंगे, क्योंकि इस मोटर का काम क्या था? एयर कंप्रेशन है। जब यहाँ पर कंप्रेशर प्रेशर ज्यादा बन चुका है, हो गया है, प्रेशर बन गया है, जैसे कि आपने देखा होगा गाड़ियों में जब हवा भरते हैं तो सबसे पहले क्या करता है? प्रेशर बनाता है कंप्रेशर से। जब कंप्रेशर से प्रेशर बन जाता है तो बंद कर देता है ना, एयर कंप्रेशर बंद कर देता है। यदि कंटिन्यू चालू रहेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, फूट जाएगा, फट जाएगा कि नहीं? तो इसीलिए उसको पता है कि भैया इतने प्रेशर तक मुझे एयर कंप्रेशर चालू रखना है। इसके बाद ऊपर मीटर लगा रहता है, देखेंगे ना आपने ऊपर इस टाइप का मीटर होता है, उस मीटर में देखेंगे भैया कितना प्रेशर गेज है, इतना प्रेशर गेज है ना, बंद कर देता है। यदि ज्यादा प्रेशर यदि बढ़ाते हैं तो क्या होगा? फट जाएगा एयर कंप्रेशर। इसीलिए यहाँ पर भी वही फंक्शन है, प्रेशर हमको जितना चाहिए उतना ही बनाते हैं, उसके बाद इस मोटर को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इसी मोटर के शाफ्ट से एयर कंप्रेशर अटैच है, इसीलिए ये ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन हो गया। इसकी जो वर्किंग मेथड है, इस वर्किंग मेथड को इस तरीके से ये पूरा फंक्शन जो है इस मेथड से चलाया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? किसी को दिक्कत? अब ये जो है प्लांट को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? तो प्लांट को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग मोटर को यूज करते हैं। सबसे पहले हमने किसको यूज किया? इस मोटर को यूज किया ना हमने सबसे पहले। उसके बाद क्या करते हैं? प्लांट के स्टार्ट होने के बाद मोटर की सप्लाई को बंद कर दिया जाता है, ये अति आवश्यक चीज है। उसके बाद टरबाइन से अल्टरनेटर एयर कंप्रेशर के माध्यम से दोनों ड्राइव होते हैं। तो एयर कंप्रेशर मतलब कंप्रेसर चेंबर में कंप्रेस होने के बाद ही वो गैस टरबाइन के ऊपर एयर को गिराया जाता है प्रेशर से। जब
प्रेशर से एयर को गिराया जाएगा तो टरबाइन घूमेगी, टरबाइन घूमेगी तो अल्टरनेटर ड्राइव होगा, और जब अल्टरनेटर ड्राइव होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो बेसिक फंक्शन यही है स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे जनरेट करें। तो अभी तक हमने जितने भी पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ा उसमें हम फाइनली टरबाइन को ही घुमाते हैं। टरबाइन घूमेगी, अल्टरनेटर घूमेगा, अल्टरनेटर घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब हम किस तरीके से घुमा रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो ये है ब्रेटन साइकिल, और ब्रेटन साइकिल के माध्यम से हम यहाँ पर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये है गैस पावर प्लांट, गैस के माध्यम से ही यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम देखें तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, इसकी एफिशिएंसी होती है लगभग 60% गैस टरबाइन पावर प्लांट की एफिशिएंसी होती है। इसकी एफिशिएंसी बेसिकली 60% यूज किया जाता है, मतलब 60% इसकी एफिशिएंसी होती है, 40% नहीं होती यदि 100% की बात करें तो 60% एफिशिएंसी मतलब बहुत अच्छा है। इसके पहले हमने कौन सा देखा था, कल हमने कौन सी क्लास पढ़ा था, किस पावर प्लांट के बारे में पढ़े थे हमने, बोलिए, अरे कौन से पावर प्लांट के बारे में पढ़े थे कल हमने, अरे विंड मिल के बारे में पढ़े थे ना, और उसकी एफिशिएंसी कितनी थी 30%, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है 60%। तो पावर ज्यादा प्रोड्यूस करके कौन देगा, ये देगा गैस टरबाइन प्लांट, पावर ज्यादा प्रोड्यूस करके देगा इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इस प्लांट का जो यूज किया जाता है ये पीक लोड सप्लाई में यूज किया जाता है, मतलब कि ये जो प्लांट है ये पीक लोड प्लांट है, इसे कहा जाता है पीक लोड प्लांट। और पीक लोड प्लांट की खासियत यह होती है कि ये मीडियम रेटिंग में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है, मीडियम रेंज में आता है पीक लोड। मैंने आपको लोड बताया था, एक तो होता है बेस लोड, दूसरा पीक लोड, और तीसरा तो बताएगा पढ़ के आइए। तो ये होता है पीक लोड। तो पीक लोड गैस टरबाइन पावर प्लांट जो है, ये गैस टरबाइन पावर प्लांट पीक लोड पावर प्लांट की लिस्ट में आता है। यहाँ पर एयर फिल्टर से एयर को सक्शन करेगा, उसके बाद एयर कंप्रेशन में एयर को कंप्रेस किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने क्या किए, सबसे पहले इस मोटर को स्टार्ट करेंगे भाई साहब। अब भाई साहब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके शाफ्ट से अल्टरनेटर भी घूम रहा है, गैस टरबाइन भी घूम रहा है, फिर एयर कंप्रेशर भी घूम रहा है। तो एयर कंप्रेशर जब घूमेगा तो इसका तो काम यही है कि ये एयर को सक्शन करेगा। ये एयर फिल्टर लगा हुआ है, जैसे गाड़ियों में फिल्टर होता है, एयर फिल्टर होता है गाड़ियों में, तो वैसे ही यहाँ पर भी फिल्टर लगा हुआ है गाड़ियों में, जैसे एयर फिल्टर होता है। उसका काम है कि एयर को फिल्टर करके अंदर जाना है, अंदर नहीं मतलब इंजन में डालना। इंजन में क्या होता है, स्वाभाविक सी बात है, एयर प्लस फ्यूल दोनों को कंप्रेस किया जाता है, दोनों इंजन होते हैं इंजन के अंदर। वैसे ही यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट एयर फिल्टर का काम होता है कि एयर को फिल्टर करे, उसके बाद एयर को सक्शन करेगा, ये सक्शन करने के बाद एयर कंप्रेशन पे एयर जाएगी। यहाँ पर एयर कंप्रेस तो होगी, एयर का संपीड़न, हवा का संपीड़न करेंगे। जब एयर कंप्रेस होगी तो पाइप के माध्यम से कंप्रेशन चेंबर में जाएगा। ठीक है, तो ये इसको सर्कुलेट करने का काम भी यहाँ पर देखिए रीजनरेटर जो लगा हुआ है इसका भी काम है कि यहाँ से एयर को सर्कुलेट करे। ये जो पूरा फंक्शन है इसमें ये भी जिम्मेदार होता है, कंप्रेशन चेंबर में आने के पहले यहाँ से एयर के जो एयर है ये रीजनरेटर मतलब यहाँ से इस पाइप से होती है कंप्रेशन चेंबर में पहुंचता है, और उसके बाद कंप्रेशन चेंबर में एयर प्रेशर इंक्रीज होता है, एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और यहाँ पर दिख रहा है एग्जॉस्ट 540 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो ईयर जो है ये पूरा फंक्शन ये एग्जॉस्ट का काम करता है, ये भी याद रखना है आपको। कैसे एग्जॉस्ट का काम करेगा, देखिए टरबाइन जब गैस टरबाइन के ऊपर हम गैस को फ्लो कराएंगे, एयर को फ्लो कराएंगे, तो उसके बाद तो बाहर ही गैस वेस्ट होगी ना, बाहर निकलेगी ना, तो बाहर निकलेगी तो जाएगी कहाँ, तो जाएगी कहाँ, ये पाइप के माध्यम से जाएगी। देखो यहाँ से गैस टरबाइन के ऊपर हमने गैस को फ्लो कराया, ठीक है, टरबाइन के ऊपर हमने फ्लो कराया गैस को, तो गैस जब ये फ्लो हो जाएगी तो इसका यूज हो जाएगा, तो ये इसी पाइप के माध्यम से कहाँ चले
जाएगा, एग्जॉस्ट में चले जाएगा और इसका टेम्परेचर कितना होगा 540 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ये रीजनरेटर पर काम करेगा, उसको फिर से रीजनरेट करेगा और रीजनरेट करने के बाद पता क्या करेगा, वो यहीं से इसी पाइप से सर्कुलेट होते हुए यही कंप्रेशन चेंबर में आएगा। मतलब हां डबल प्रोसेस हो रही है यहाँ पर, जो गैस हमने यूज की है इस गैस टरबाइन के ऊपर गिरी, उसके बाद यहीं से ये जो गैस है ये सर्कुलेट, उसके बाद क्या चाहिए कि एग्जॉस्ट रीजनरेटर में यहाँ से फिर से बनेगी, फिर कंप्रेशन चेंबर में आएगी, फिर कंप्रेशन चेंबर में इसका यूज करके यहीं पर गैस टरबाइन के ऊपर फ्लो कराएंगे, ये साइकिल चलते रहेगा, इसीलिए इसको डिवाइन साइकिल कहा गया है। आ रहा है आपको समझ में? जैसे हम थर्मल पावर प्लांट में देखते हैं कोयला जल जाता है, जलने के बाद जो बचा है उसको बाहर निकालते हैं, कोयले को बाहर निकालते हैं हम लोग, वैसे यहाँ पर वेस्ट मटेरियल बच रहा है क्या? नहीं बच रहा है, उसी को रीयूज कर रहे हैं, इसीलिए इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, 60% एफिशिएंसी इसका होने के पीछे रीजन यही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इससे पूरा इसका फंक्शन समझ में आया। सबसे पहले मोटर स्टार्ट करते हैं, मोटर की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग भी मोटर में ही होता है, ये पूरा फंक्शन है। ठीक है, ये एग्जाम में बेटा पूछा जाता है, क्योंकि गैस पावर प्लांट एग्जाम में आता ही है, यहाँ से एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से एक क्वेश्चन जरूर निकल के आता है, ये जरूर पूछा जाता है कि ये किस साइकिल पे वर्क करता है, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। जय जय भारत।